हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हैं। सर, आपने 2020 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लाके बीजेपी की सरकार बनवाने में, तो इस जीत को आप कैसे देखते हैं? अरे यार, वो पुरानी बात थी। आज की जीत के बारे में सिर्फ अरे सिर्फ एक ही कारण है उसका, मोदी जी की गारंटी, लोगों का विश्वास मोदी जी पे, और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पे, और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो कि लोगों के बीच जाकर लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश में जो जीत मिली है उसका पूरा श्रेय जाता है वहाँ की जनता को, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, और उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने लोगों पे लोगों के दिले में बसते हैं, लोगों के लिए समर्पित काम करते हैं, और उनका विश्वास जीता है उन्होंने, और इसके कारण आज उन्होंने मोदी जी की गारंटी जो दी थी उस पर बहुत बड़ी भारी पड़ी है। बाकी जो और जो पॉलिटिकल पार्टी ने गारंटी दी उस पर बहुत भारी पड़ी, और उसका विश्वास जो है लोगों का विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। MP में लाडली बहना योजना का कितना आप योगदान मानते हैं? देखिए, जो भी हमने काम किया लोगों के लिए समर्पित होकर, वो सब का फ़ायदा है। एक 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 स्कीम पर नहीं, लेकिन जो हमारी लीडरशिप, जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो लड़े हैं उसका पूरा पूरा फायदा है। क्या कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा कि कोई नया? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं भाई, ये तो लीडरशिप डिसाइड करती है, इसके बारे में कोई टिकट हम नहीं करते।